गर्मियों के मौसम में आम तो अगर आपके से कटोरी में निकाल के आमरस दे दे, जिंदगी में और क्या ही चाहिए। आप बैठे रहिए, पूड़ी तोड़ते रहिए और आपको कोई आमरस देते रहे ऐसे। हाँ, इसको खाने के लिए तब से वेट कर रहा था मैं। शाम के टाइम पे अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं, एक ब्रेड कोदम्बी वड़ी और एक चाय, एक मस्त शाम बन जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सौरभ एंड यू वाचिंग टैंगी बी। तो गाइस, आज मैं एसीएस लेआउट में आया हूँ, बैंगलोर में। मैं यहाँ पे महाराष्ट्रियन कुजीन ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट विच इज कॉल्ड एज मुरम्बा, ये एक नया रेस्टोरेंट आया है यहाँ पे, नया आउटलेट आया है एसीएस लेआउट में, ब्रुकफील्ड मॉल के काफ़ी पास में है। यहाँ पे ये ऑथेंटिक आपको महाराष्ट्रियन कुजीन सर्व करते हैं। तो आज हम उनका महाराष्ट्रियन कुजीन ट्राई करेंगे, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इनसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के ओनर हैं, तो वो बता रहे थे जो यहाँ का जिनका इंग्रेडिएंट्स हैं ये डायरेक्टली इसको कोल्हापुर से प्रोक्योर करते हैं। चाहिए देखते हैं इनका क्या प्रॉपर ऑथेंटिक महाराष्ट्र टेस्ट मेंटेन यहाँ पे बैंगलोर में हो पाता है या नहीं। चाहिए इनकी आइटम्स को ट्राई करते हैं, होटल में अंदर जाते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसे इनके फूड आइटम्स का। तो गाइज, मेरा ऑर्डर आ गया है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा ऑर्डर जो पहला चीज़ मैंने ऑर्डर किया चीज़ इनका मिसल पाव। अगर ये देखें तो ये आपको पाव मिलेगा, साथ में ये जो नमकीन टाइप की रहती है, ये हम थोड़ा प्याज नींबू, और ये जो मेन जो इनकी ग्रेवी होती है इसमें आपको स्प्राउट्स मिलेंगे, आलू मिलेगी, हम इसको ट्राई करेंगे। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया वड़ा पाव। अगर आप देखें तो काफ़ी गर्मा गर्म देखने में क्रिस्पी लग रहा है वड़ा पाव, साथ में जो इनकी ये लाल जो पाउडर चटनी होती है स्पाइसी होती है, और ये मिर्ची है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है ये जहाँ पे स्पेशल आइटम है, विच इज़ जो आपको पूड़ी के साथ आमरस मिलता है, एक आलू की सब्जी है, और ये आपको ठेचा है, ये मिर्ची का बना होता है, ये मिलेगा आपको। और ये जो है दिस इज़ कोतंबरी, कोतंबरी यानी कि इसमें धनिया रहता है, इसकी आपको छः पीसेस साथ में चटनी मिलेगी। तो ये चार चीज़ मैंने ऑर्डर की हैं, अगर इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। इसके अगर पेट में जगह बचेगी तो हम और चीज़ें ऑर्डर करेंगे। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले आइटम चीज़ वड़ा पाव। अगर मैं दिखाऊं तो अंदर इसमें उन्होंने एक हरी चटनी डाली है, और ये एक क्रिस्पी से इसका वड़ा है। आइए इसको ट्राई करते हैं, पहले इसको प्लेन ट्राई करते हैं बिना लाल चटनी के। नॉर्मली स्पाइसी नहीं है, पर इसको स्पाइसी बनाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस, काफी प्लेन सा टेस्ट था, तो थोड़ा इसको स्पाइसी बनाते हैं। ज़बान में तुरंत ये मिर्ची का पाउडर लगता है, जो भी इन्होंने बनाया है ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा है, एक अलग सा स्पाइस ऐड कर रहा है। काफ़ी बढ़िया है, गरम है जो इनका जो वड़ा है, काफ़ी कुरकुरा है, स्पाइसी है। अगर आप जो पाउडर लगा देते हैं काफ़ी स्पाइसी हो जा रहा है, इसके बाद टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टू गुड, मूविंग ऑन टू जो हमारा मिसल पाव है, ये मिसल होती है, इसमें आपको ये एक नमकीन सेव टाइप का मिलता है, इसको इसमें डाल लें, ट्राई करते हैं। पहले खाली इसको ट्राई करता हूँ एक बार, इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी बढ़िया है, साथ में आपको ये दो बड़े मिलेंगे, पाव मिलते हैं। फिर ऐसे ही ट्राई किया जाता है, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। टू गुड, थोड़ा नींबू के साथ खाते हैं इसको, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। Thank you.
काफ़ी अच्छा है, स्पाइसी है, नींबू डालने का एक अलग टेस्ट हो गया। साथ में ये जो सेब है एक क्रंच ऐड कर रहे हैं, जब सुखा रहे हैं इसके साथ तो एक ग्रेवी के साथ एक क्रंच का टेस्ट आ रहा है, एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको ट्राई किया जाए, टू गुड ग्रेवी, जो अपने एक ग्रेवी का टेक्सचर दे रही है, साथ में जो नमकीन है काफ़ी क्रिस्पी है, खाने का भी मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया आइटम है, काफ़ी एडिक्टिव है। मैं बात करते करते पूरा एक पाव खा गया। टू गुड, मूविंग ऑन टू जो हमारा कुछ तंबीर बड़े हैं, ये बड़े का दिखाऊँ आपको, मैं काफ़ी क्रिस्पी है, तो अगर टेक्सचर देखें तो आप इनको डायमंड टेक्सचर है, अलग अलग टेक्सचर में कट किया गया है, काफ़ी क्रिस्पी है। अगर मैं दिखाऊँ अंदर से काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मेरे को, इसको ट्राई किया जाए बिना चटनी के, एक बार ट्राई करते हैं। काफ़ी क्रिस्पी है, धनिया काफ़ी टेस्ट आ रहा है जी। इस एक मिनट आपको टोटल 6 पीस आते हैं, चटनी का ट्राई करते हैं। चटनी काफ़ी बढ़िया है, अगर मैं कहने पास लगा दिखाऊँ तो एकदम प्रॉपर धनिया पुदीने की चटनी, साथ में कोथिंबर वड़ी जो कि अगेन धनिया की बड़े हैं। काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत मज़ेदार है। बहुत बढ़िया आइटम है ये, शाम के टाइम पे अगर आप इस जगह पे आ रहे हैं, एक ब्रेड को तंदूरी बड़ी और एक चाय, एक मस्त शाम बन जाएगी। मौसम आजकल अभी ऐसे ही हो गया बारिश का, अगर मैं घूमते फिर दोबारा शाम को यहाँ पे आता हूँ, ज़रूर एक प्लेट ये को तंदूरी बड़ी लूँगा और एक चाय। ये चाय भी देते हैं लाल, में लंच के टाइम पर आया हूँ इसलिए मैं चाय नहीं ले पी रहा हूँ, बट अगर मैं शाम को दोबारा कभी यहाँ पे आता हूँ, आज ही दोबारा आता हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में, ज़रूर एक प्लेट कोथिंबीर वड़ी और चाय पीऊँगा। काफ़ी बढ़िया आइटम है। मूविंग ऑन, जो हमारा लास्ट आइटम है जो कि यहाँ का फेमस आइटम है, इसके लिए मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। दिस इज़ नथिंग बट जो हमारा आम रस, साथ में आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, और ये मिर्ची का ठेचा। आइए इसको ट्राई करते हैं, पहले मैं आम रस से ट्राई करूँगा। ये देखिए क्या लग रहा है, वाह, खूब सारा आम रस। इसको ट्राई किया जाए, वाह, गर्मियों के मौसम में आम तो अगर आपके से कटोरी में निकाल के आम रस दे दे, ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। आप बैठे रहिए, पूड़ी तोड़ते रहिए और आपको भी आम रस देते रहे ऐसे। पूड़ी काफ़ी अच्छी है, क्रिस्पी टाइप की है, मुलायम है, हाँ। इसको खाने के लिए तब से वेट कर रहा था मैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मेरा आज यहाँ आना सफल हो गया। टू गुड, आइए तो सब्जी ट्राई करते हैं। आलू की सब्जी मिलती है हमको, इसको ट्राई करते हैं। प्रॉपर जो आपको पूड़ी भाजी वाली जो भाजी होती है वो भाजी है, जैसे आलू है, मटर है, स्पाइसी नहीं है, लेकिन जो ना आप जो किस होना चाहिए आलू भाजी का टेस्ट,
पूड़ी के साथ एग्जैक्टली वही टेस्ट है। दर्शन इस बार मैं पूड़ी भाजी और साथ में हल्का सा ठेचा ट्राई करता हूँ। ये मिर्ची का है, हाँ एक अलग सा किक दे रहा है, ये स्पाइसी है, इसमें गार्लिक है, मिर्ची है, मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया खाना है, मज़ा आ गया। सो गुड गाइस, ये सब ख़त्म करता हूँ। खाना काफ़ी अच्छा है, वड़ा पाव, कोदुमरी वड़ी, मिसल पाव और जो इनका मेन जो फेमस आइटम है जो कि है आम रस, पूड़ी भाजी और ठेचा, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। ख़त्म करता हूँ उसको, फिर दोबारा मिलता हूँ। सो गाइस, मेरा अभी मुरम्बा रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने अभी इनकी कई सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने जिनकी ऑथेंटिक स्टाइल जो इनकी मिसल पाव थी वो ट्राई की, इनका वड़ा पाव ट्राई किया था, इनकी जो कोतमुरी जो इनकी वड़ी आती है वो ट्राई किया, और लास्ट में इनका फेमस था पूड़ी के साथ जो आम रस और एक सब्जी देते हैं वो और ठेचा वो ट्राई किया। खाना काफ़ी अच्छा था, मेरा फेवरेट इसमें से एक था इनका जिनकी स्पेशल कोल्हापुरी मिसल पाव थी जो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्पाइसी थी, वो जो क्रिस्पी और जो ग्रेवी अपना टेक्स्चर दे रही थी वो टेक्स्चर में टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा जो इनका जो मेन आइटम था वो विच वॉज पूड़ी के साथ आम रस, आलू की सब्ज़ी और ठेचा, वो काफ़ी बढ़िया था। ठेचा काफ़ी एक हिट दे रहा था जैसे आप उसको खा रहे थे। इनका वड़ा पाव भी काफ़ी अच्छा था और जो इनकी जो कोतमरी वड़ी थी काफ़ी अच्छी थी। ओवरऑल इनका फूड आइटम काफ़ी अच्छा था। अगर आप एशियस लेआउट में रहते हैं, नियर बाय यहाँ पर रहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्राई ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल फूड, आप जरूर इस जगह पर आ सकते हैं। ये जगह का लोकेशन जो गूगल मैप लोकेशन का मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको फॉलो करके ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो ब्रुकफील्ड मॉल है उससे बहुत पास में है, अगर आप मैप में जब चेक करेंगे काफ़ी नियर बाय, ज़रूर यहाँ पर आइए, इनका ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट बताएं आपको कैसा लगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें सर्व करते हैं, मैंने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया है, मैं भी दोबारा जरूर आऊँगा तो दोबारा और चीज़ ट्राई करूँगा, बट अगर आप यहाँ पे आते हैं इसके अलावा कोई और नई चीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बताएं आपको कैसा लगा। विद दैट सेट, इट्स अ रैप हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, मैं एक्सप्लोर करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।